हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी मेडिसिन टिप्स फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माई फेयर क्रीम के बारे में। माई फेयर क्रीम जो है, बहुत लोग रिसेंट टाइम में ले रहे हैं इसे स्किन को व्हाइटनिंग करने के लिए, गोरा होने के लिए, और स्किन के अलावा इस क्रीम को लोग अदर बॉडी पार्ट पर भी यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इस क्रीम के सारे जानकारी हम देंगे, क्योंकि आप अगर कोई स्किन केयर क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसकी सही यूजेस, उसकी साइड इफेक्ट, उसकी बेनिफिट क्या, आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो क्रीम है बहुत ही चीप रेंज में आता है, केवल 100 रुपये के अंदर आपको क्रीम मिल जाएगा। 20 ग्राम जो क्रीम है, तो 20 ग्राम आपको 100 रुपये के अंदर मिल रहा है। तो इसकी सही यूजेस आपको जानना ज़रूरी है, इसकी साइड इफेक्ट भी आपको जानना ज़रूरी है, और इसकी बेनिफिट की, क्योंकि बहुत चीप रेंज में आपको स्किन व्हाइटनिंग हो रहा है, मतलब इसकी साइड इफेक्ट कितना होगा ये भी आपको जानना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस जो क्रीम है इसमें सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट्स मिलाया गया, मोमेंटासॉन, टेरिटेनॉन, हाइड्रोक्विनॉन। यही 3 इन्ग्रीडियंट्स आप बहुत सारे क्रीम में आप देख सकोगे, बहुत ऐसे क्रीम है जिनमें ये 3 इन्ग्रीडियंट्स डालते हैं। तो पहली बात करते हैं इस क्रीम के काम क्या है। एक क्रीम बेसिकली क्या क्या काम करता है। माई फेयर क्रीम काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वो है स्किन में जितने भी मेलाज्मा है उसे रिड्यूस करता है। मेलाज्मा होता है स्किन में, थोड़ी थोड़ी जगह काले हो जाते हैं, वो होता है मेलाज्मा, उसे दूर करते हैं, डार्क स्पॉट को दूर करते हैं। डार्क स्पॉट जो होता है स्किन में, छोटा छोटा ब्लैक कलर की स्पॉट बन जाते हैं, उसे दूर करते हैं। सनबर्न की वजह से अगर आपकी स्किन कई कई जगह जल गई है तो उसे भी दूर करने में मदद करते हैं। सबसे खास बात, इंस्टेंट फेयरनेस देते हैं इस क्रीम की मदद से। अगर आप जब लगाओगे तब आपको नज़र आएगा इस क्रीम के माध्यम से आपको इंस्टेंट गोरापन मिल जाएगा, क्योंकि इस क्रीम में स्टोरेट मिलाया गया जो है मोमेंटासॉन हाइड्रोक्विनॉन दोनों ही एक स्टोरेट है, जिसमें स्टोरेट होने की वजह से आपको इंस्टेंट फेयरनेस मिलता है। देखिए इस क्रीम की बहुत सारे साइड इफेक्ट में से, जैसे कुछ साइड इफेक्ट है, आपको इचिंग हो सकता है स्किन में, आपको रेडनेस आ सकता है, स्किन वार्निंग, ये सबसे खास साइड इफेक्ट है इस क्रीम का। ज़्यादातर लोगों को देखा गया स्किन वार्न हो जाए, ये खुद स्किन वार्निंग को ठीक करता है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट भी है स्किन वार्निंग। अगर आप इस क्रीम को लगा के अपने फेस पर कहीं निकालते हो बाहर, तो सन की वजह से आपको स्किन बर्न हो सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया साइड इफेक्ट है। तो आपको जब इस क्रीम यूज़ करना है तो सन से अवॉइड करना है। इस क्रीम को यूज़ करके आपको घर में रहने को तो बेहतर होगा, इस क्रीम को यूज़ करके बाहर जाओगे तो सन की वजह से आपकी स्किन बर्न हो सकते हैं। स्किन थिनिंग हो सकते है इस क्रीम की मदद से। जब इसमें तो स्टोरेड है, जैसे कि मोमेंटासॉन हाइड्रोक्विनॉन मैंने पहले ही बोला कि स्टोरेड है, तो इसे अगर आप लगाओगे रोज़ तो आपकी स्किन पतली हो सकती है। स्किन पतली होने की वजह से स्किन में और ज़्यादा समस्या आ सकते हैं, मेलाज्मा बढ़ सकते हैं। तो इस क्रीम को रोज़ आपको यूज़ नहीं करना है, हफ्ते में 2-3 बार या 4 बार यूज़ कर लो, लेकिन इस क्रीम को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं करना है, ताकि आपकी स्किन थिनिंग हो सकते हैं। तो स्किन में बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम आ सकता है इस क्रीम की वजह से, लेकिन इस क्रीम के फ़ायदे भी कुछ ऐसे हैं कि आपको डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है, मेलाज्मा को ख़त्म करता है, स्किन बर्न को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, बहुत कुछ इस क्रीम के काम है, इंस्टेंट फेयरनेस भी देता है। तो अगर आपकी इस क्रीम की लगाने से कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा, कोई आ जाए, तो आप जल्दी से जल्दी डर्मालॉजिस्ट को आप कॉन्टैक्ट करिए, ताकि इसकी जो साइड इफेक्ट है, बहुत ही ऐसे साइड इफेक्ट जो खतरनाक है, आपकी स्किन और भी जल सकते हैं, और भी थिनिंग हो सकते हैं, स्किन में और भी रैशेस वगैरह आ सकते हैं। अगर आपकी गलतियों की वजह से आपकी साइड इफेक्ट पहुंचा है, तो आप जल्दी से जल्दी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट की कॉन्टैक्ट करिए, उसकी राय ले कि आपको आगे क्या क्या करना है। तो गाइस, ये था हमारी वीडियो, छोटी सी जानकारी, जहाँ पर मैंने कोशिश किया कि माई फेयर क्रीम के बारे में आपको सब कुछ जानने की, सब कुछ आपको बताने की, ताकि आप सावधान हो जाओ इस क्रीम की जब आप ले रहे हो, और इस क्रीम की कुछ बेनिफिट भी जो मैंने कोशिश की आपको बताने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल हिंदी मेडिसिन टिप्स फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें।